नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिंतनशील शिक्षण। चिंतनशील शिक्षण वाला जो टॉपिक है आपके, वो आपकी जो बुक नंबर 10 है, पेपर नंबर जो 10 है, समावेशी विद्यालय की भूमिका वाली जो आपकी बुक है, उसमें जो यूनिट 3 का पार्ट है चिंतनशील शिक्षण, जितनी भी शिक्षण प्रविधियां हैं वो इसके अंदर दी हुई है। तो समावेशी विद्यालयों में चिंतनशील शिक्षण किस प्रकार करवाया जाना चाहिए, चिंतनशील शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, जो चिंतनशील शिक्षण क्या होता है, चिंतनशील शिक्षण तभी हो सकता है जब हमें स्मृति एवं बोध से अगर हम गुजर चुके हैं, स्मृति कर ली हमने उसकी, और उस चीज को अगर हमने समझ लिया, तब ही हम चिंतनशील शिक्षण कर सकते हैं। तो चिंतनशील शिक्षण के लिए स्मृति और बोध स्तर दोनों से गुजरना आवश्यक होता है। चिंतनशील शिक्षण के बारे में दो विद्वानों की परिभाषा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। पहली है मॉरिस एस बीगे की और दूसरी है ओबे राय की। मॉरिस एस बीगे कहता है कि ऐसा कक्षा वातावरण जो सजीव और उत्साहवर्धक हो, ऐसा कक्षा वातावरण जिसमें सजीवता हो, विद्यार्थी संवाद करते हो, अपनी समस्याओं को रखते हो और आपसी वाद विवाद के द्वारा उस समस्या को सुलझाते हो, ऐसा वातावरण चिंतनशील शिक्षण कहलाता है। ऐसा कहा मॉरिस एस बीगे ने। उसके बाद आता है ओबे राय ने कहा कि जिसकी प्रकृति समस्या केंद्रित हो, समस्या को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण किया जाए और जिसमें विद्यार्थी मौलिक कल्पना में व्यस्त रहता है, ऐसा शिक्षण चिंतनशील शिक्षण के नाम से जाना जाता है। तो चिंतनशील शिक्षण ओबे राय के अनुसार जिसकी प्रकृति समस्या केंद्रित हो और विद्यार्थी मौलिक कल्पनाओं में व्यस्त हो, ऐसा शिक्षण चिंतनशील शिक्षण कहलाता है। अब बात आती है चिंतनशील शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, चिंतनशील शिक्षण जो होता है वो विचार युक्त होता है। इसमें सभी विद्यार्थियों का अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। शिक्षक अपने विचार छात्रों के सम्मुख रखता है, छात्र अपने विचार सबके सामने रखते हैं। ऐसा होता है चिंतन युक्त शिक्षण या चिंतनशील शिक्षण। समस्या, किसी भी समस्या को शिक्षक के द्वारा बालकों के समूह प्रस्तुत की जाती है और उस समस्या का समाधान वो कक्षा वातावरण में करते हैं, उसे ही हम चिंतनशील शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो चिंतनशील शिक्षण जो है वो समस्या केंद्रित होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं होता है। विद्यार्थी मौलिक कल्पनाओं में डूबा रहता है। समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता ले सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब है बिना किसी नियम उपनियम के स्वतंत्र रूप से अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, अपने मौलिक जो विचार है उनको अभिव्यक्त करने का अवसर यहाँ पर मिलते हैं, जिससे स्वतंत्र ज्ञान में इनकी वृद्धि होता है। तो चिंतनशील शिक्षण में स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा चिंतनशील शिक्षण में मौलिक चिंतन पर क्या दिया जाता है विद्यार्थियों, बल दिया जाता है। नए नए विचार अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उस समस्या को ध्यान में रखते हुए, जिससे विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। क्योंकि जब तक मौलिक चिंतन नहीं किया जाएगा, तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। फिर है सृजनशील कार्यों में सहायक। जब बच्चा चिंतन करेगा, मौलिक चीजों को
सोचेगा तो उसमें क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उसमें सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रख पा रहा है, वो कक्षा के वातावरण में स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहा है, तो सृजनात्मक अभिवृत्ति का उस बच्चे में विकास होता है। तो सृजनात्मक कार्यों में सहायक होता है चिंतनशील शिक्षण, कार्य उत्पादन को बढ़ावा। जब बच्चा मौलिक रूप से सोचता है, समस्या के समाधान में जुटा रहता है, तो वो उसकी कार्य उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो चिंतनशील शिक्षण के माध्यम से उस बच्चे में कार्य उत्पादन को भी बढ़ावा मिल जाता है। उसके बाद है पाठ्य वस्तु को गहनता से बच्चा अध्ययन करता है, उसका विश्लेषण करता है। तो पाठ्य वस्तु की गहराई तक अध्ययन जो है वो चिंतनशील शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद है आलोचनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होना। आप जानते हैं विद्यार्थियों, जब समस्या होती है तो कई प्रकार के विचार आते हैं। जब कई प्रकार के विचार होते हैं सामने, तो आलोचनात्मक चिंतन बढ़ता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण बच्चों में उत्पन्न होता है कि ऐसा नहीं, इसका ये भी हो सकता है। आलोचनात्मक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के विरुद्ध बोलें। आलोचनात्मक का मतलब है कि सिक्के के अनेक पहलू होते हैं, सिक्के के हर पहलू का ज्ञान तभी हो सकता है जब हम उसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। तो चिंतनशील शिक्षण के माध्यम से आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी उत्पन्न होता है। तो चिंतनशील शिक्षण विचारयुक्त होता है, समस्या केंद्रित होता है, स्वतंत्र ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है, मौलिक चिंतन पर बल देता है, सृजनात्मक कार्यों में सहायक होता है, कार्य उत्पादन को बढ़ावा देता है, पाठ्य वस्तु की गहनता से विद्यार्थी अध्ययन करता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विद्यार्थी में उत्पन्न होता है। ये सारे कार्य चिंतनशील शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। और आपके जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से भी चिंतनशील शिक्षण इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आप शॉर्ट नोट जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं उनको एक बार याद करके चल जाना, आप आराम से इसका आंसर दे पाओगे। फिर है इसके गुण। चिंतनशील शिक्षण कक्षा वातावरण में क्यों किया जाना चाहिए? देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला तो अनेक लोगों के विचार आपके सामने आएंगे तो आपके ज्ञान में, आपकी नॉलेज में क्या होती है, चिंतनशील शिक्षण में आप मौलिक चिंतन करते हो तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो चिंतनशील शिक्षण के माध्यम से ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब आप देखो चिंतनशील शिक्षण में बालक मौलिक विचार करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई आयोजन और कार्यक्रमों को निश्चित करने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें किसी भी प्रकार का आयोजन और नियोजन में लचीलापन होता है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाया है तो उसके आयोजन और नियोजन दोनों में लचीलापन दे दिया जाता है। ये नहीं है कि समस्या का समाधान आपको इतने समय में ही करना है। बच्चे को समस्या दी जाती है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है, मौलिक चिंतन करने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है, तो आयोजन में नियोजन में इसमें लचीलापन होता है, तो बालक को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। समस्यापूर्ण स्थिति को व्यवहार और उसके समाधान। जब बच्चा समस्यापूर्ण स्थिति को देखता है और उस समय उसका जो व्यवहार होता है उस व्यवहार का उसको ज्ञान हो जाता है, और जब समस्या का समाधान हो जाता है उस समाधान के बाद उसको जो ज्ञान होना है उसके बारे में विद्यार्थी को पता चल जाता है कि जब मैं मौलिक चिंतन करूंगा और मौलिक चिंतन के बाद जब किसी समस्या का समाधान हो जाएगा तो मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी, समस्या का समाधान करने में मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इन सभी समस्याओं के दौर से गुजर चुका होता है चिंतनशील शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी। फिर आता है सभी विषयों और प्रकरण के लिए प्रस्तुत। किसी भी विषय पर हम मौलिक चिंतन कर सकते हैं, किसी भी प्रकरण पर हम चिंतनशील शिक्षण कर सकते हैं, इसलिए चिंतनशील शिक्षण का अपना ही एक महत्व है। तो चिंतनशील शिक्षण के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि होती है, चिंतनशील शिक्षण में आयोजन व नियोजन में लचीलापन होता है,
समस्यापूर्ण स्थिति का ज्ञान हो जाता है और उसके समाधान के बाद कौन से ज्ञान की प्राप्ति होगी इसके बारे में पता चल जाता है। सभी विषयों में प्रकरण के लिए चिंतनशील शिक्षण किया जा सकता है। अब बात आती है कि चिंतनशील शिक्षण के दोष क्या है, क्या क्या कमियां हैं चिंतनशील शिक्षण में। देखो विद्यार्थी, छोटा बच्चा मौलिक चिंतन नहीं कर सकता, समस्या केंद्रित समाधान नहीं कर सकता, तो चिंतनशील शिक्षण केवल उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए ही उपयोगी है। माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं, उनको ही चिंतनशील शिक्षण करवाया जाना चाहिए। आपको पता है चिंतनशील शिक्षण में सामूहिक वाद विवाद के माध्यम से ही शिक्षण कराया जा सकता है, तो शिक्षण की जो अन्य विधियां हैं उन विधियों को इसमें काम में नहीं लिया जा सकता। तो हम विद्यालय में केवल चिंतनशील शिक्षण के माध्यम से ही अध्ययन नहीं करवा सकते, हमें और माध्यमों की भी आवश्यकता होती है। तो चिंतनशील शिक्षण में केवल सामूहिक वाद विवाद के माध्यम से ही शिक्षण करवाया जा सकता है। तो इसमें छात्र समस्या समाधान ही कर सकेंगे। इसमें क्या है, इसमें केवल छात्र की समस्या का ही समाधान हो पाता है, उच्च शिक्षा के लिए ही उपयुक्त है, बाकी शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें केवल मान लो कोई भी विषय या कोई भी प्रकरण हमने ले लिया, लेकिन वो पाठ्य वस्तु तक ही सीमित नहीं रहता, पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहता, जीवन के अनुभवों पर भी आधारित हो सकता है। तो हम केवल चिंतनशील शिक्षण के माध्यम से पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम को कंप्लीट नहीं करवा सकते हैं विद्यार्थियों। इसमें केवल सामूहिक वाद विवाद के माध्यम से ही चिंतनशील शिक्षण किया जा सकता है, बाकी माध्यमों से हम चिंतनशील शिक्षण नहीं कर पाते हैं विद्यार्थियों। तो सामूहिक वाद विवाद ही चिंतनशील शिक्षण में प्रभावशाली होता है। उसके बाद आता है निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण इसमें नहीं होता है। और आपको पता है अगर कक्षा वातावरण में विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो हमें समयानुसार नियमावली बनानी पड़ती है, इसके आधार पर ही हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा सकते विद्यार्थियों। तो आपने देखा चिंतनशील शिक्षण की भी कुछ कमियां हैं कि केवल ये उच्च स्तर के विद्यार्थियों के उपयुक्त है, पाठ्य वस्तु तक ही सीमित नहीं है ये, केवल सामूहिक वाद विवाद के माध्यम से ही चिंतनशील शिक्षण किया जा सकता है। तो आपने आज पढ़ा चिंतनशील शिक्षण की दो परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसके गुण और उसके कुछ दोष। ये आपके आगामी दिनों में जो बीएड सेकंड ईयर की जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है विद्यार्थियों। चिंतनशील शिक्षण का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपको ध्यान रखना है जब स्मृति और बोध स्तर को हम छात्र ने प्राप्त कर लिया उसके बाद जो स्तर प्रारंभ होता है वो होता है विद्यार्थियों चिंतन स्तर, जो समस्या केंद्रित होता है, जिसमें मौलिक कल्पनाएं की जाती है, जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है, जिसमें स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऐसा होता है चिंतनशील शिक्षण। तो इसके जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस वीडियो को देखें और जो मैंने आपको बोर्ड पर नोट्स लिखवाए हैं उसको आप एक बार पढ़ करके चले जाना, आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा विद्यार्थियों। इसी के साथ धन्यवाद।